उसके नाम में ही लक हो। तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बैट हार जाएगा? सब पता चल गया क्या? ओके, इस बार जेन्युइनली सॉरी यार, बैट थी, जीतनी थी तभी वो सब किया। अब प्लीज, अब वो माँ बहन वाले लेक्चर फिर से स्टार्ट मत करना। वो क्या है ना, मेरे घर में माँ बहन चाची सब है, मैं लेक्चर सुनने के ना मूड में नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे लेक्चर देख कुछ फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। मुझे आई नो कि मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया, तो मुझ पर गुस्सा हो और मुझे थप्पड़ भी मारना चाहती हो, राइट? उससे क्या होगा, मैं ये बैठा हार जाऊंगा, ये सारे के सारे पैसे मुझे उनको देने पड़ेंगे और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट। हम दोनों ये पैसे आधे आधे कर लेते हैं। व्हाट से यू राइट, हम यंग है, 2015 की जनरेशन है, और तुम्हें पता ही होगा कि आज की जनरेशन थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में बिलीव करती है। ओह गॉड, आउच, पेपर स्प्रे, देख लूंगा मैं तुम्हें। स्वरा बोस नाम है मेरे। ओह गॉड, ढूंढने में आसानी रहेगी। जिस लड़की को तुमने सबके सामने थप्पड़ मारा और बिन बाप की औलाद कहा, उसका बाप जिंदा है और वो कोई और नहीं, तुम हो शेखर। स्वरा तुम्हारी बेटी है। स्वरा, क्या कहा अभी अभी तुमने? वो बैग में से आपका सामान गिर गया था ना अंकल? थैंक्स स्वरा, जो कुछ भी हुआ वो बात बहुत गलत हुआ। तुमने जो किया हमें तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
मगर हमसे भी जो हुआ उस पर I'm sorry. नहीं नहीं प्लीज सॉरी मत कहिए, आप मेरे बाबा जैसे हो, प्लीज सॉरी बोल के मुझे एम्बेरस मत कीजिए। परेशान क्यों लग रहा है? नहीं, परमिशन। पापा खाना लग गया है, दादाजी आपको बुला रहे। बेटा उनको बोलो अभी आ रहा हूँ। जी। रागिनी, बेटा छत पे मेरा कुर्ता पजामा सूख रहा है, वो मुझे लाके दे दो। जी अभी लाई। रागिनी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने देखा या नहीं देखा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम्हें अर्जेंटली कुछ कहना है। सोरा समझो, हम तुमसे बात नहीं कर सकते, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम वापस चली जाओ। दादी माँ ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे, तुम जाओ। रागिनी प्लीज रुको, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। सोरा नहीं, सोरा समझो, कल जो कुछ भी हो उस बात को लेकर मेरी फैमिली बहुत हर्ट है और मैं अपनी फैमिली को हर्ट नहीं देख सकती। और सोरा तुम्हारे साथ भी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और मैं नहीं चाहती कल जो कुछ भी हो दोबारा कभी भी हो, इसलिए मेरी बात सुनो और वापस चली जाओ। हम इस दुश्मनी का कारण नहीं ढूंढ पाएंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं रागिनी, क्योंकि उसकी वजह मुझे मिल गई है। रागिनी इस दुश्मनी से अलग भी एक रिश्ता है हमारा। रागिनी हम दोनों बहनें हैं, शेखर अंकल मेरे भी पापा हैं। सराय, ये तुम क्या कह रही हो? ट्रस्ट मी रागिनी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज खुद माँ को शेखर अंकल से ये बात कहते हुए सुना है। शेखर अंकल ने भी इस बात पे विश्वास नहीं किया, पर मैं जानती हूँ कि माँ इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोल सकती। माँ और शेखर अंकल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा और फिर मेरी माँ की जिंदगी में वो इंसान आए जिन्हें मैं अब तक मेरे बाबा समझती रही, और शेखर अंकल की जिंदगी में मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ आई। बस करो स्वरा, हमारी माँ ने किसी की जगह नहीं ली, हमारी माँ ने बहुत मेहनत करके इस घर में, इस घर के लोगों के दिलों में जगह बनाई है। सॉरी रागिनी, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो तो। बस स्वरा, मेरा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। नहीं स्वरा, अब हम बात नहीं करेंगे। रागिनी मुझे प्लीज एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी माँ गलत थी, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी से पहले शेखर अंकल और मेरी माँ दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। रागिनी, ये हो रहा है छत पे तब से? दादी, सोरा तुम जाओ। सोरा जाओ। Thank you.
इतना बखत काय लग रहा है? माँ और शेखर अंकल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। रागिनी, छोरी ध्यान कटे थारा, तू रहने दे, मैं कर लूंगी, जा कपड़े बदल सोने की तैयारी कर। जल्दी चल, क्लास के लिए लेट हो रही है। प्रियंका तू जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल ठीक है, बाय। आजा जल्दी। थैंक गॉड आ गई, जाकर उससे बात करती हूँ। रागिनी, नजरें नीची करके सीधे क्लास में जा और वहां छोरियों के साथ गप्पे मत मारने लगना। जा।
रागिनी की दादी तो उससे चिपकी रहती है, मुझे कैसे भी करके रागिनी से अकेले में बात करनी होगी। कहाँ जाके छुप गई थी मिस स्वरा बोस? पूरी रात बर्बाद कर दी हमने तुम्हें ढूंढने के लिए। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हमारे फेस पे पेपर स्प्रे लगाया था ना तुमने, उसका बदला तो लेना पड़ेगा ना बेब्स। गलती मेरी नहीं, गलती तुम्हारी थी, तुमने ये सब शुरू किया था। मैंने तो सिर्फ स्कोर को सेटल किया था। स्कोर तो सेटल अब होगा। क्या हुआ, डर लग रहा है? मम्मी की याद आ रही है? इधर उधर क्या देख रही हो? कोई नहीं बचाने वाला तुम्हें, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि चुपचाप अपना मुंह काला करा लो। नॉट लिटरली, चुपचाप अपने चेहरे पे ये काला पेंट लगवा लो। On your knees. अब तेरा क्या होगा कालिया? हाँ, तुम लोग क्या समझते हो? ऐसी अकेली लड़की को बुली करोगे, उसके चेहरे पर काला पेंट लगाओगे और ये लोग बस खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे? इन लोगों ने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। एक बार, बस एक बार मुझे हाथ लगाओ, फिर देखो ये लोग तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अरे स्वरा रिलैक्स। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों गाइस, है ना? अच्छा, अकेली लड़की को सड़क पर देखकर उसे छेड़ते हो और फिर उसे मजाक का नाम दे रहे हो? एकान कर लोग देर मोदे एकुनो दो माचे। आमादेर बंगाली देर मोदे मे देर सम्मानताई सबसे बड़ो। हमारी बंगाली कम्युनिटी बहन या बेटी के लिए किसी का सर भी फोड़ सकती है। ओए, क्या चेशा? कुछ नहीं दादा, बस एक तो मजाक, वो हम सब तो दोस्त हैं, है ना स्वरा? नहीं नहीं दादा, ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये मेरा दोस्त नहीं है। ये लोग मुझे छेड़ रहे थे, पेंट से मेरा मुंह काला करने वाले थे। लड़की का मुंह काला कर रहे थे तू लोग? सिस्टर, अब उल्टा होगा, तुम अब इन सब का मुंह काला करो। पक्का? हाँ सत्ती। ए, हटू गड़ा बॉस। अबे सुना ही नहीं दिया? अबे हटू गड़ा बॉस, बैठ ना। बैठ बैठ बैठ। ये तो वही छोरी है जिसने उस दिन अपने घर में इतना हंगामा खड़ा किया था। यहाँ सड़क पे भी वही काम कर रही है, कोई नई बात नहीं है।
गांधी छोरी। शुक्र है हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं हैं, और ना ही हमारे घर की होने वाली बहू रागिनी। शेखर जी ने सही कहा था, इस लड़की की परवरिश में ही खोट है। छोड़ दो नहीं भाई साहब, आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो इसके पीछे? थैंक यू दादा, थैंक यू एवरीवन। आज तो बस मुंह काला हुआ है गबर, दोबारा ऐसी हरकत की ना तो जूते की माला के साथ साथ गधे पे बिठाकर पूरे कोलकाता में घुमाए जाओगे। और हाँ, अपना ये काला मुंह वो जरूर लेना। कजरी की बहू कटोरी। और कजरी कटे तो दादी साहब सासू माँ की तबीयत ठीक ना से, इसलिए उन्होंने मन्नी भेज दिया, कहे कि उनकी तबीयत की वजह से आपके काम का नुकसान ना होना चाहिए। अरे इतना लंबा घूंघट निकाला हुआ है, काम कैसे करेगी, मुश्किल ना होगी तने? वो दादी साहब सासू माँ कहे से कि बड़ों के सामने हमेशा अपना पल्लू रखना चाहिए, ठीक कहे ना? चोखे संस्कार दिए तने। हाँ चल शुरू कर काम। अरे अरे उधर किधर जा रही है, इधर से शुरू कर काम। दादी साहब मैं क्या सोचूं कि पहले अंदर से कचरा बाहर ले आती हूँ, उसके बाद यहाँ झाड़ू लगा लूंगी। हाँ तो जा पहले रागिनी के कमरे में, वहीं से शुरू कर। जी। दादी साहब रागिनी जीजी का कमरा कौन सा है? भीतर जा, वहां से बाई तरफ को सीढ़ी जाती है ऊपर। जी। रागिनी हम दोनों बहनें हैं, शेखर अंकल मेरे भी पापा है। माँ और शेखर अंकल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। कल मैंने जो तुमसे बात की थी उसी बारे में सोच रही हो ना? स्वरा